बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता है कि सरकार एक काम जो है अपने कार्य 5 साल के कार्यकाल में एक विज्ञप्ति कोर्ट से नहीं बचा पा रही है, और वो उनकी महाधिवक्ता के अच्छी पैरवी ना करने के कारण ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इसका मुझे तो ये लगता है कि इसका अगर ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी करते हैं, विवाह करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूरन इसमें बहुत बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बहुत बाध्य होंगे। और साथ ही हम आगामी चुनाव में भी इसका भरपूर सरकार का विरोध करेंगे, पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे, और हर जगह इनके विधायकों को, नेताओं को करारे जवाब देंगे, जो कि सरकार के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। BRTT प्रशिक्षण महासंघ की ओर से, मैं एमओनआर न्यूज़ की ओर से एक मुख्य खबर पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें जो सरकार की विफलता भी है और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में 2800 भर्तियों पे नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, लेकिन वो कुछ कारणों से कोर्ट में फंसी हुई है, जिसमें सरकार अच्छी पैरवी न करने के कारण ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की घोषणा की है, जो कि एक सरासर गलत है, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा है, और ये सरकार की निष्क्रियता और नाकामी को भी दर्शाता है, क्योंकि सरकार की अच्छी पैरवी न करने के कारण ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। अगर विभाग और सरकार चाहे तो इस मामले में अच्छी पैरवी करके महाधिवक्ता के द्वारा, सरकारी महाधिवक्ता के द्वारा इस विज्ञप्ति के जो पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, उनमें जो मामले कोर्ट में चले हैं, उनसे कोर्ट से सरकार अपने पक्ष को मजबूत ढंग से रखकर उस मामले को कोर्ट द्वारा सुलझा सकती है और उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जिन लोगों ने, जिन प्रशिक्षकों ने, जिनकी उम्र जा रही है, उनका भविष्य चौपट होने से बच सके। अन्यथा ये बहुत बड़ा छलावा या सरकार की निष्क्रियता है कि 5 साल में ये ऐसी विज्ञप्ति है जो कोर्ट में लटकी हुई है, लेकिन सरकार इसमें इसको अपने महाधिवक्ता के द्वारा वहाँ पर अच्छी पैरवी न करने के कारण ये आज शिक्षा मंत्री जी अपने बयान पे पलटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के में जो मामला कोर्ट में लटका हुआ है, उसके सुलझने के कारण हम प्राथमिक शिक्षकों की जगह हम अतिथि शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे।